चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत की एक और बड़ी तैयारी है। सरकार की ओर से भारतीय सैन्य बलों को इमरजेंसी में खतरनाक हथियार खरीदने को लेकर जल्द ही अधिकार दिए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सैन्य बल इन हथियारों को सीधे तौर पर बेहद तेज गति से पा सकेंगे। बताया गया है कि इन अधिकारों के तहत सैन्य बलों को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो जरूरत पड़ने पर कोई भी हथियार और उपकरण खुद ही खरीद सकेंगे। इससे सैन्य बलों को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे ही अधिकार पहली बार 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सैन्य बलों को दिए गए थे। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इसके बाद मई 2020 में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शुरू हुए तनाव के दौरान इन अधिकारों के कारण भारतीय सैन्य बलों को स्थिति से निपटने में काफी मदद भी मिली थी। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारतीय सैन्य बलों को इमरजेंसी के समय अधिकार खरीदने का अधिकार देने संबंधी फैसले पर अगले हफ्ते होने वाली रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर ये अधिकार सैन्य बलों को मिल जाता है तो उन्हें जंग के समय किसी भी स्थिति से निपटने में मदद के लिए तेज गति से नए और पुराने हथियार खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले सैन्य बलों को जो अधिकार मिले थे उनके अनुसार वो 300 करोड़ रुपए तक के रक्षा उपकरण खरीदने के लिए डील पर साइन कर सकते थे और इसके तहत खरीदे गए सैन्य उत्पाद की डिलीवरी 3 महीने से लेकर 1 साल तक की समय सीमा के अंदर उन्हें मिलने का प्रावधान था। इसके अलावा सूत्रों का ये भी कहना है कि अगर रक्षा मंत्रालय की ओर से सैन्य बलों को ये अधिकार मिल गया तो सैन्य बल अपने आवंटित फंड में से इन हथियारों को खरीदने के लिए रकम खर्च कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें रक्षा मंत्रालय की कोई भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सैन्य बल इन हथियारों के जरिए ताकत को और बढ़ा सकेंगे। इससे पहले भारतीय वायुसेना और थलसेना को इजरायली हेरॉन ड्रोन भी मिले हैं। इन ड्रोन को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तैनात किया गया है, जिसके जरिए चीनी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।